कृष्णा, आज हम सुनेंगे राधा अष्टमी की व्रत कथा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी यानी राधा रानी के प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। द्वापर युग में इस पावन तिथि पर देवी राधा का जन्म हुआ था। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि राधा जी का जन्म माता के गर्भ से नहीं बल्कि वृषभानु जी की तपोभूमि से हुआ था। ब्रह्मवेवर्त पुराण में राधा जी के जन्म की जो कथा बताई गई है वो हम सुनेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से एक निवेदन जरूर करना चाहूँगी। यदि आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वृंदावनेश्वरी राधा कृष्णो वृंदावनेश्वर जीवनेन धने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम। श्री राधा रानी जी वृंदावन की स्वामिनी हैं और भगवान श्री कृष्ण वृंदावन के स्वामी हैं, इसीलिए मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल श्री राधा कृष्ण के आश्रय में व्यतीत हो, ऐसी मेरी इच्छा है, कामना है। चलिए कथा सुनते हैं। श्री राधा कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोलोक में नहीं थी। उस समय श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ गोलोक में विहार कर रहे थे। राधा जी यह सुनकर क्रोधित हो गई और तुरंत श्री कृष्ण के पास जा पहुंची और उन्हें भला बुरा कहने लगी। यह देखकर कान्हा के मित्र श्री दामा को बहुत बुरा लगा और उन्होंने राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का शाप दे दिया। राधा को इस तरह क्रोधित देखकर विराजा वहां से नदी रूप में चली गई। इस शाप के बाद राधा ने श्री दामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का शाप दे दिया। देवी राधा के शाप के कारण ही श्री दामा ने शंखचूड राक्षस के रूप में जन्म लिया। वही राक्षस जो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना और देवी राधा ने वृषभानु जी की पुत्री के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। लेकिन राधा वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी। जब श्री दामा और राधा ने एक दूसरे को शाप दिया तब श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। वहां आपका विवाह रायण नामक एक वैश्य से होगा। रायण मेरा ही अंशावतार होगा और पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रिया बनकर रहेंगी। उस रूप में हमें विछोह का दर्द सहना होगा। अब आप पृथ्वी पर जन्म लेने की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि में देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी उसी समय वहां देवी राधा कन्या के रूप में प्रकट हो गई। कृष्ण प्रिया राधा रानी के प्राकट्य दिवस पर व्रत रखने से भगवान कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। राधा नाम संसार के सभी दुखों को हरने वाला है। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से धन की कमी नहीं होती और घर में बरकत बनी रहती है। तो अब हम सुनेंगे कि इस व्रत को कैसे रखते हैं, क्या पूजा की विधि रहती है। सुबह जल्दी स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य देवता को जल अर्पित करें। इसके बाद मंडप के नीचे मंडल बनाकर उसके मध्य भाग में मिट्टी या तांबे का कलश स्थापित करें। अब इस पात्र पर वस्त्रों से सुसज्जित राधा जी की मूर्ति स्थापित करें।
इसके बाद राधा जी की 16 उपचार से पूजा करें। राधा जी की पूजा मध्या के वक्त की जाती है। पूजन के बाद उपवास करें और एक समय भोजन करें। अगले दिन श्रद्धानुसार सुहागन स्त्रियों और गरीबों को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। उसके बाद स्वयं भी प्रसाद के रूप में भोजन ग्रहण करें। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।